खूबसूरत नहीं है लेकिन काम तो घर का सब करती है और नमाज पाबंदी से पढ़ती है, मेरी बात मानती है। खूबसूरती लेके करना क्या है, बुढ़ापा आएगा तो खूबसूरती भी चली जाएगी। बहुत सारे नौजवान बातें बड़ी दीन की करते हैं लेकिन निकाह का वक्त आता है खूबसूरत भी चाहिए। खूबसूरत भी चाहिए कि खूबसूरत ही चाहिए, बोलने का अंदाज़ अलग है लेकिन डिमांड अलग है। तो दीनदार बच्चियाँ घरों में बैठी रहती हैं और सिर्फ खूबसूरती की वजह से बहुत सारे लोग निकाह से निकलते हैं। बहुत अफसोस की चीज़ है। दीन असल है, दीन असल है। वरना अगर कोई लड़की लड़के को बोले सब ठीक है लेकिन खूबसूरत नहीं है, चेहरा देखने को पहली बार देखा दूसरी बार देखने को जी नहीं कर रहा, कितना ख़राब लगेगा, मुझको भी नहीं चाहिए, कैसा बोलेगा फिर, कितना ख़राब लगेगा। तो असल किरदार है, कैरेक्टर है, वो असल चीज़ है। अल्लाह के पास भी चेहरा नहीं है। इन्नल्लाह ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम वलाकिन यंज़ुरु इला क़ुलूबिकुम वअमालिकुम। अल्लाह तुम्हारी सूरतों को नहीं देखता, तुम्हारे मालों को नहीं देखता है, बल्कि वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। सूरतें कुछ भी नहीं है, सूरतें कुछ भी नहीं है, असल सीरत है। दीनदार बच्चियों से निकाह करें, खूबसूरती के चक्कर में ना पड़ें। बहुत खूबसूरत होगी तो सरदर्द भी बनेगी, इल्ला ये कि दीन उसमें हो, वो खूबसूरती पे नाज करेगी अपनी, आपका जीना आराम कर देगी। तो इसके लिए आदमी दीनदार को देखे, खूबसूरत हो तो बहुत अच्छी बात है लेकिन असल दीन है। और दीन है और खूबसूरती नहीं है तब भी कोई गलत बात नहीं है, निकाह कर लिया आदमी, इसमें हिम्मत करें, किरदार असल है। बहुत खूबसूरत है, बदतमीज़ी से बात करें आपको कितनी खूबसूरत दिखाई देगी, देखते गुस्सा आएगा उसको। इसलिए कि आदमी की खूबसूरती उसके किरदार में होती है, उसकी सूरत में नहीं है, उसके कैरेक्टर में होती है। नर मिजाज से बात करें, अदब और अखलाक से बात करें, खूबसूरत नहीं भी है तो खूबसूरत दिखाई देगी वो, क्योंकि उसके पास अखलाक है। अखलाक इंसान की खूबसूरती होता है।